पहले न्यूज मैंने से बजाय देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पाक में आईएसआई के खिलाफ पुलिस का मोर्चा। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को हुए आतंकी हमले के बाद सेना की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे। इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खैबर पुलिस के जवानों ने बुधवार को आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी की और गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी पहली बार हुआ जब वर्दी पहने और हथियार लिए दो दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए प्रदर्शन किए। ऐसा प्रदर्शन खैबर के कई जिलों में हुआ है। दरअसल पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित मस्जिद पर हुआ है। धमाके में 100 से अधिक पुलिस वालों की जान चली गई। हमले के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। इसी के बाद गुस्साए पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इसी बीच पाकिस्तान सरकार और पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन किया और इसी बीच पाकिस्तान सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हिंसा के लिए इमरान शासन पर दोष मरा और प्रधानमंत्री रहित तालिबान ने आतंकियों की मदद करने के उनसे बातचीत का आरोप लगा है। वहीं इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सरकार आतंकवाद के नाम पर आम चुनाव टालना चाहती है। प्राइवेट आर्मी को फंड देकर दिवालिया हो रहे यूक्रेन। यूक्रेन सैनिकों को प्रशिक्षण देने और उनकी मदद के लिए भेजे गए अमेरिकी वैगनार ग्रुप मोर्चार्ट समूह पर घोटाले और यूक्रेन की लीडरशिप के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इस संबंध में अमेरिका के पूर्व मरीन और मोर्चार्ट के लीडर एंड्रयू मिलबर्न ने कंपनी के फंड को डाइवर्ट कर दिए। वहीं यूक्रेन के लीडर्स के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की। मिलबर्न में बताया गया कि यूक्रेन पर टिप्पणी करने के दौरान वे नशे में थे। हाल की वित्तीय अनियमितताओं के बारे में अधिकांश आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने बताया कि मार्च में मोर्चार्ट के लड़ाके यूक्रेन में रूसी सेना के डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वहां सेना के प्रशिक्षण दिया है। नागरिकों को जंग के लिए तैयार किया गया। वहीं यूक्रेनी सेना के साथ फ्रंट लाइन में खड़े हैं। लेकिन यूक्रेन के लीडर्स ने भुगतान नहीं किया। मोर्चार्ट को फंड उपलब्ध कराने वाले छोटे से पूल पर निर्भर छोड़ दिए जिसमें ईस्ट कोस्ट फाइनेंशियरों के समूह और एक टेक्सास टाइकून शामिल है। मोर्चार्ट के अन्य लोगों ने भी बताया कि सभी लड़ाके रूस के निशाने पर। मोर्चार्ट को एक व्यवसाय की तरह चलाना होता लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कॉलेजियम सिफारिशें मानने में हो रही है देरी से एससी नाराज। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम पर हलफनामा दायर किया। सरकार के आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश जल्द से मंजूर कर ली गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 दिन के अंदर जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मामले अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट जजों की ट्रांसफर की सिफारिश को मंजूरी देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर। कोर्ट में सरकार से कहा है कि बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करे जिसकी परेशानी हो। अमूल दूध 3 रुपए महंगा हुआ। अमूल ने दूध की दाम 3 रुपए लीटर बढ़ा दी। गुजरात डेयरी को ऑपरेटिव ने कहा है कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल फ्रेश कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई। अमूल ने अक्टूबर में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने कहा कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में पशु चारे की कीमत करीब 20% बढ़ चुकी है। इनपुट लागत में बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियन किसानों से खरीद जाने वाले दूध की कीमतों में पिछले साल तुलना 8 से 9% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 महीनों में दूध के दाम 12 रुपए तक बढ़े थे। इसके लिए करीब 7 साल तक दूध के दाम नहीं बढ़े थे। दूध की कीमतों में अप्रैल 2013 और 2014 के बीच 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। चूंकि गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है इसी वजह से दुग्ध कंपनियों के पशुपालकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के इंजन में आग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद उसे वापस
अबू धाबी एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट अबू धाबी की कालीकट आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक सभी 184 पैसेंजर सुरक्षित है। डीजीसीए ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का बी 737-800 विमान जो फ्लाइट नंबर 9384 और तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है, उनका इंजन नंबर 1 में आग लग गई, इस वजह से उसे वापस भेजा गया। डीजीसीए ने बताया कि VTAYC नंबर में रजिस्टर्ड विमान में जिस समय आग लगी उसे समय 1000 फीट की ऊंचाई पर। एयर इंडिया में एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट शुक्रवार को सुबह केरल के कालीकट के लिए उड़ान भर रही है। टेक ऑफ के दौरान उनकी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में तकनीकी खराबी आई। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने से पहले पायलट ने इसे खराबी को नोटिस नहीं किया था। हाल की बाद में आग की जानकारी मिलने के बाद उसे वापस अबू धाबी भेजा गया और सुरक्षित लैंड कराया गया। लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही सोमवार 6 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में विपक्ष के सांसद ने हिंडनबर्ग की एयरपोर्ट को लेकर हंगामा किया और इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC गठित करने की मांग की है। वहीं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुद्दे पर कहा है कि उसने अडानी स्टॉक क्रैश में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रहती है। विपक्ष पास कोई भी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद कार्यकाल में सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमागत स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा सदन प्रस्ताव नोटिस दिया। SC में 5 दिन में जजों की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति 5 दिन में हो जाएगी। यहाँ बात केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद कई दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही देरी में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु एक याचिका दायर की है कि इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार में कॉलेजियम सिस्टम पर हल्फनामा दायर किया। हाईकोर्ट ने जजों के ट्रांसफर की सिफारिश को मंजूरी देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे हम परेशानी हो। ऐसे इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश जल्द ही मंजूर कर ली जाएगी। 5 दिन के अंदर जजों की नियुक्ति कर दी जाएगी। केस की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार के 5 नामों की सिफारिश की है। इनमें से जस्टिस पंकज मिथल चीफ, जस्टिस राजस्थान SC, जस्टिस संजय करोल चीफ, जस्टिस पटना SC, जस्टिस PV संजय कुमार चीफ, जस्टिस मणिपुर SC पटना हाईकोर्ट की, जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्ला और इलाहाबाद SC के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। कानपुर कोर्ट में पेशी पर मुस्कुराते हुए पहुंचे इरफान। सपा विधायक इरफान सोलंकी गुरुवार को कानपुर कोर्ट में पेश हुए। वे मुस्कुराते हुए कोर्ट के अंदर में ही बाहर आने पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, समर्थकों को देखकर सल्यूट कर मुट्ठी बांधी। सब बढ़िया है पूछना पर इरफान ने कहा आशीर्वाद है। वहां मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक सरकार पर तंज कसते हुए शायरी के अंदाज में कहा कि मुद्दे ही लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दरअसल गुरुवार को विशेष न्यायाधीश MP MLA के कोर्ट में इरफान को पेश किया गया। इस दौरान जज माऊ आगजनी फर्जी आधार कार्ड में हवाई यात्रा करने वाले समेत 4 मामलों की सुनवाई हुई। ये पुलिस ने 4 अन्य मामलों में इरफान के लिए जुडिशियस रिमांड की मांग की है। कोर्ट ने 4 मामलों 13 फरवरी तक के लिए रिमांड मंजूर कर लिया है। जोगिंदर शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। भारत के 2007 के T20 वर्ल्ड कप विजेता जोगिंदर शर्मा ने शुक्रवार को इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव को लिखे पत्र में क्रिकेटर बने पुलिस अधिकारी जोगिंदर ने बोर्ड, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, चेन्नई सुपर किंग्स और हरियाणा सरकार शुक्रिया किया। जोगिंदर ने इंस्टाग्राम चिट्ठी पर फोटो शेयर कर जोगिंदर ने लिखा, आज मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करता। T20 वर्ल्ड कप में खिताबी मुकाबले का आखिरी ओवर डालने वाले जोगिंदर शर्मा मैच 4 गेंदों में देश के हीरो बन गए हैं। यह अफसोस की बात यह है कि जोगिंदर को उस फाइनल मुकाबले के बाद कभी कोई इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हाल ही में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा। सूर्यगढ़ पैलेस में कंफर्म की सिद्धार्थ क्यारा की शादी। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्यारा आडवाणी इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 6 फरवरी
जैसलमेर, सूर्यागढ़ पैलेस में शादी करने वाले। हालांकि अब तक इस पैलेस ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये ग्रैंड वेडिंग 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में पैलेस में होने वाली है। इसके साथ शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड को इस ग्रैंड वेडिंग के सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा है। दरअसल फोटोग्राफ वीरेन बिहानी ने गुरुवार 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम कियारा और सिद्धार्थ की शादी को कवर करने के लिए जैसलमेर जा रहे हैं। हम कल लैंड करेंगे और फिर जीप लेकर जैसलमेर जाएंगे। शादी के फंक्शन 4 फरवरी से 6 फरवरी तक चलेंगे। ये शादी सूर्यगढ़ पैलेस में होगी। सूर्यगढ़ पैलेस इस पोस्ट पर आने अपने ऑफिशियल अकाउंट में रिएक्ट करते हुए लिखा है, सी यू सून, जल्द मिलते हैं। अब सूर्यगढ़ पैलेस के इस रिएक्शन को देखने के बाद ये साफ हो गया कि सिद्धार्थ और क्यारा इसी पैलेस में शादी करने वाले हैं। ये तो सुबह की 10 ताजी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट किया एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।